जगत हो, राजनीति हो या क्षेत्र हो व्यापार, जुर्म फरेब की हर गली से गुजरे जो कह के खबरदार, झूठ का पर्दाफाश करेगा सच का पहरेदार, हर तरह की खबरें लेकर पेश है मुंबई रफ्तार। नमस्कार, मैं हूं सैयद शादमा और आप देख रहे हैं मुंबई रफ्तार न्यूज। एडवेंचरस क्रेजी जो हुआ है मेरे से यहाँ पे, आपने जो देखा था व्हेन आई वाज कमिंग इन, व्हेन आई वाज एंटरिंग इन पटाया बोट पे जो मैं आ रहा था, आई केप्ट ऑन फॉलिंग, वहाँ पे मैं अपना बैलेंस लग नहीं पा रहा था, केप्ट ऑन फॉलिंग 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 ऑफ द बोट, यस नो ऑफ द बोट, इनसाइड द बोट, इन द बोट, लेकिन वहाँ पे इतना वेव्स थे, वहाँ पे इन द वेव्स, देन वहाँ पे डायरेक्टर वाला कट, फिर अगेन अगेन एक्शन, फिर वहाँ पे कट, कम से 15-20 बार मेरे को क्या बात है। सी नोबडी नोज द बिहाइंड द सीन्स, क्या क्या जाता है फिल्म बनाने में। मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूँ कि रियल लाइफ में विलन कौन है? इन अ सेंस रियल लाइफ में विलन कौन है? ये है विलन के ये है विलन? एक्चुअली अगर इस टीम की बात करेंगे तो इस टीम में 3 विलन है एक्चुअली। अच्छा, ऐसे मतलब सारे पोल यहाँ पे खुल रहे हैं। सबसे बड़ा विलन हम जानते हैं, नंबर 1 रेटिंग किसको देंगे? मैं बता रहा हूँ, नंबर 1 विलन जो हम लोग इस यूनिट का है वो हम लोग का डायरेक्टर। ही नेवर यूज्ड टू स्पेयर अस, भली रात के 12 बज जाए जब तक शॉट उनको सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं होगा, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो ही वॉज द फर्स्ट विलन ऑफ आवर सेट यहाँ पे टीम के। सेकंड विलन, सेकंड और थर्ड विलन जो है वो हम दोनों हैं। करेक्ट। ऐसा भी हुआ है मुझे, सुबह 9 बजे का कॉल टाइम देकर रात को 11 बजे शॉट लिया है मेरे से और मुझे कहीं जाने नहीं दिया। मैंने कहा मैं आसपास, मेरा घर बहुत पास में था, मैंने कहा सर मैं थोड़ा घर से मिल के आ जाऊँ, उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया और मुझे 14 घंटे बिठाने के बाद मुझे 9 बजे 11 बजे रात में शॉट लिया। मैं काफी खफा हो गया था, बट इतने पोल भी नहीं खोलने यहाँ पे, क्या बोल रहे हो? नहीं, अगेन ये था ऑन शॉट, मींस ऑन इन फ्रंट ऑफ कैमरा एज द वाज द विलन एज अ डायरेक्टर, ही नेवर शुड स्पेयर अस। बैकअप के बाद हम दोनों विलन थे, हम उनको फिर लाइक कूल करते थे वहां पे, उस टाइम हम उनके लिए विलन थे, वो अलग स्टोरी। अच्छा, इस फिल्म के शूट के लिए बहुत अलग अलग जगहों पे आपको जाना पड़ा, देयर वर लॉट्स ऑफ डिफरेंट लोकेशंस। हम जानते हैं रमेश जी का फेवरेट लोकेशन कौन सा था, वो तो हमने सुन लिया काफी बहुत डिटेल में। आई बीन वेरी लकी, मुझे बहुत मुझे ये मौका मिला रमेश जी के साथ वॉकिंग स्ट्रीट जाने का। वहां पे गुलशन जी हैज बीन अमेजिंग, मैं गुलशन जी,
हमारे सुदीप जी और हम लोग वॉकिंग स्ट्रीट घूमने गए थे, काफी वॉकिंग की हमने वहाँ पे, तो काफी मनोरंजन पैसे बिल्कुल खर्च नहीं हुए, ये भी सुना। और उनके पैसे नहीं खर्च हुए क्योंकि मनी कन्वर्जन शायद उन्होंने नहीं करवाया था वहाँ पे। बट कौन सी जगह, देयर इज सम सीरियस ट्रैफिक, दे विल बी मेकिंग देयर वे हियर एंड इज समीक्षा हियर, शी इज आल्सो गोइंग टू बी जॉइनिंग अस इन अ लिटिल बिट। बिफोर वी हैव यू actually unveil the posters, I would like to ask Mr. Pandey here just a few words on the experience of shooting the film. Maza aaya, kaisa laga, aap kya share karna chahenge hamare sath isse pehle ki hum poster ko launch kar. Yahan pe upasthit sabhi mehmanon ko main pyar bhara namaskar kehta hu aur main dhanyawad deta hu Raj sir ko jinne is film ke liye mujhe choose kiya, ek bada hi khoobsurat chhota sa hi role hai, aur of course ma'am Meena Mandal ma'am dhanyawad. इस पिक्चर से बहुत खूबसूरत एक और याद जुड़ी है कि मैं पहली बार विदेश गया इस फिल्म के लिए, और मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत अच्छे एक पूरी टीम से मिला जो एक पूरी फैमिली की तरह हम लोगों ने काम किया था, और राज सर गॉड ब्लेस सर, चकते बड्डे तू दी बस मैम इससे ज़्यादा थैंक यू वेरी मच। तो इससे पहले कि आपके एक्सपीरियंसेस हम आपसे जाने, हम चाहते हैं कि आप पोस्टर को रिवील करें, अनवेल करें, तो आप इधर आ जाएं और आप उधर चले जाएं, एंड मे बी ऑन द काउंट ऑफ थ्री यू कैन अनवेल इट बाय जस्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज द फर्स्ट लुक, द फर्स्ट ग्लिम्स, द पोस्टर ऑफ चेस नो मर्सी टू क्राइम। अब आपकी बारी सर, कर लें a little bit of help, fantastic, beautiful, beautiful looking posters, very exciting, in poster se pata chal jata hai what kind of film this is going to be. Just before we let you leave the stage, your thoughts on this first glimpse of the poster? It's really very nice. I'm waiting for the cup release hogi and I wish them all the best. Meena ji, bahut bahut mubarak ho, aapko posters bahut acche hain aur main zarur dekhungi. Yeah, all the best. Thank you. Waqai mein poster bahut acche hain aur matlab main to emotionally juda hu us film se, ab poster se bhi jud gaya hu kyunki मैं कलकत्ता शहर में रहता हूं, तो और ये फिल्म जो है उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो कलकत्ता के शामिल हैं, हीरो भी कलकत्ता का ही है, हीरोइन भी कलकत्ते की है, हीरो भी कलकत्ते का है, विलेन भी है, तो डायरेक्टर भी है, डीओपी भी है, सारे लोग हैं एनीवे, और इंशाल्लाह लोग पोस्टर देखकर आपकी फिल्म देखने ज़रूर जाएंगे 100%। थैंक यू वेरी मच। आपसे हम दोबारा बात करने नीचे भी आएंगे। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ टेक योर सीट्स, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, the beautiful people on stage. Ladies and gentlemen, it's very important to appreciate the hard work, the dedication, the commitment that an entire team puts into making a film happen. So how about we have a big round of applause for MS Productions. Lots of time, energy, love has gone into the making of this beautiful film Chase, No Mercy to Crime, and what a wonderful name it is too. So big round of applause, can we have a big round of applause for MS Films Productions. Now I'm sure all of you believe what I believe, that the music of a film is the heart and soul of the film. So now that we've launched this very fantastic looking poster, it's time now to launch the music of the film. So we'd like to invite on stage some very very special people who are involved with the music. Let's invite on stage Bob SN and Rohan D Pathak, the music directors of the film. बहुत गर्मियों में, सर्दियों में धूल मिट्टी बहुत हम लोगों ने मेहनत की इस मूवी के लिए, और इस ट्रेलर को जैसे आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, ट्रेलर बहुत धमाकेदार ट्रेलर बना, हमारे डायरेक्टर और हमारे एडिटर ने बहुत मेहनत की इसके ऊपर में। एक्टर्स तो हम तो एक्टिंग करके डबिंग करके निकल जाते हैं, लेकिन बाकी के जो प्रेजेंटेबल जो पब्लिक के सामने होने चाहिए उसके लिए हैट्स ऑफ टू माई डायरेक्टर एंड माई एडिटर, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने इसके लिए।
एग्जैक्टली वो भोजपुरी नहीं है, टच ऑफ भोजपुरी है उसमें, एक्जैक्टली हिंदी के ऊपर भोजपुरी टच मारा है। एक वहाँ पे बंगाली है क्योंकि बंगाल बेस्ड मूवी है, इट्स अ ट्रू इवेंट ऑन बंगाल पुलिस जो सक्सेस किए थे क्राइम को वहाँ पे, सक्सेसली वहाँ पे चेस किया था और उस क्रिमिनल्स को पकड़ा था जो रॉबरी के पीछे थे, तो इसलिए बंगाली और इंग्लिश और हिंदी ये मतलब बिलिंगुअल लैंग्वेज मिक्स करके इस मूवी को बनाया गया है यहाँ पे। हमने बार बार ऐसे ऑन स्टेज में अंदिरा जी को बताया, सबको बताया, हम लोग अब पूरी एक फैमिली जैसे बन चुके हैं, इट्स नॉट अ टीम एनीमोर, इट्स अ फैमिली नाउ। सर मैं आईपीएल पर इतने बोलूंगा, मैं धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ, धोनी जिस टीम में जाता है मैं उसी को फॉलो करता हूँ, माय फेवरेट टीम इज सीएसके, आई होप सीएसके विंस दिस टाइम आल्सो लाइक लास्ट ईयर। पॉलिटिक्स में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो जीते उनकी मर्जी, बाकी हमको अपना काम करना है। हाँ जी, वोट किसको देना वो हम पब्लिक के लिए कैसे आपको पता है किसको देना, लेकिन बस जो भी है जो आए अच्छा काम करें बस इतना कहना चाहूँगा, क्योंकि आई एम नॉट इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, और मैं कुछ करता भी नहीं उसमें, फॉलो भी नहीं करता पॉलिटिक्स में यहाँ पे। बाकी सी एस को बस इतना बोलूंगा, धोनी जी को फॉलो करता, सी एस के जीते बस उतना ही वही है। सर दिस आंसर ओनली द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर कैन गिव यू, नॉट एन एक्टर। इट्स अ नॉन फिक्शन मूवी बेस्ड अपॉन द सक्सेस ऑफ बंगाल पुलिस, ऐसी मूवीज़ बहुत कम देखने को मिलती है क्योंकि पुलिस को एक्चुअली पब्लिक जो बहुत फेयर करती है, पुलिस मतलब उनके लिए हवा बन जाता है, पुलिस मतलब ये है वो है जो भी है, इसके माध्यम से पुलिस को हम लोग पॉजिटिव यहाँ पे दिखाया है, जनता को हम लोग ये प्रेजेंट किया कि पुलिस जो है सिर्फ वहाँ पे होते हैं कुछ जो भी है, लेकिन अच्छे पुलिस भी है जो काम करते हैं इस लाइन में, पुलिस इंडस्ट्री में यहाँ पे। हाँ देर आर सम फेमस कॉप्स फ्रॉम द सिटी बट आई कैन नॉट नेम इट इन पब्लिक, यहाँ पे वो आपको जो भी बात करना है डायरेक्टर से बात कर सकते हैं। अभी मैं इतना रिवील नहीं कर सकता इस मूवी का, जो ट्रेलर आपने देखा है उसको बस यहीं तक रखिए, बाकी जो है मैं बोला डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर से बात कीजिए, आंसर आपको वही दे पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ट्रेलर मुझे मैंने इससे पहले देखा ही नहीं था ट्रेलर, बिकॉज मुझसे ट्रेलर दूर रखा गया हमारे दोनों से, तो पर हमें कहा गया था कि ट्रेलर इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग, और एग्जैक्टली वो अपने बात पे खड़े उतरे, जैसे मैंने ट्रेलर देखा तो मैं बहुत एक्साइटेड था, आपने देखा होगा ऑडियंस में सबसे ज़्यादा मैं ही चिल्ला रहा था, तो ट्रेलर देख के मेरी उम्मीदें और बढ़ गई है फिल्म से, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा बिकॉज हमने काफ़ी ट्रैवल किया, काफ़ी सारे जो मुझे ट्रैवल करना पर्सनली बहुत पसंद है, हमने काफ़ी लोकेशंस एक्सप्लोर की, इसके अलावा जो पूरी टीम थी हमारी, आपने सुना है फैमिली वाली जो बॉन्डिंग थी, ऑफकोर्स मैंने काफ़ी मतलब अच्छे दोस्त बनाए, और इसके अलावा भी और एक अच्छी बात थी कि इसमें जो दूसरे एक्टर्स जैसे मुश्ताक जी, गुलशन पांडे जी और गोयल जी, ऐसे स्टॉलवर्ट्स, ऐसे एक्सपीरियंस एक्टर के साथ काम करने का मौका मिला, काफ़ी कुछ सीखा मैंने उनके साथ, और उनसे सीखने को अलावा भी मैंने देखा कितने डाउन टू अर्थ और कितने ग्राउंडेड है, कितने इजी टू गेट टू, कितने अच्छे को एक्टर्स मिले थे, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग आई कुड से। एग्जैक्टली अनसंग हीरोज, दैट्स द वर्ड, अनसंग हीरोज, जो इन हीरोज ने इतना अच्छा एक ऑपरेशन कैरी आउट किया था कलकत्ता पुलिस ने, लोगों को इस बारे में पता नहीं है, तो ये स्टोरी सत्य घटनाओं पर आधारित है, इंस्पायर्ड बाय द ट्रू स्टोरी दैट दिस ऑपरेशन एक्चुअली हैपेंड, थोड़े लोकेशंस हमने थोड़े इधर से उधर बदले होंगे, थोड़ी सी स्टोरी को ऑब्वियसली फिल्म के तहत थोड़ा हमें ड्रामेटाइज थोड़ा सा किया है, पर इसके अलावा दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी, और मैं चाहता हूँ ऐसी स्टोरी बननी चाहिए, ताकि इन जैसे मतलब कलकत्ता पुलिस इतने अच्छा ऑपरेशन कैरी आउट किया था, ये इस केस को क्रैक किया था, इन्हें लोगों को इनके बारे में मालूम नहीं है, तो मालूम चलना चाहिए अबाउट दिस अनसंग हीरोज, सो आई एम रियली हैप्पी टू प्ले वन ऑफ देम। नो इट्स नॉट एक्चुअली अ बायोपिक, एग्जैक्टली, हाँ बिकॉज हमने कलकत्ता पुलिस के कोऑपरेशन के साथ ये प्रोजेक्ट किया है, ये उन्होंने डिटेल इसकी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की थी और बताया था एग्जैक्टली क्या क्या कहाँ कहाँ उन्होंने ऑपरेशंस को किन किन जगहों पे किया था, पूरा पूरा मोडस ऑपरेंडी उन्होंने एग्जैक्टली एक कुछ हद तक हमसे शेयर किया था, जिससे हमने बाकी अपने तरीके से कोऑपरेट मतलब ये एग्जीक्यूट किया, और ये एग्जैक्टली सही मतलब असली ओरिजिनल कहानी है जो चाहते थे मेरे डायरेक्टर के सामने आए उन हीरोज़ के बारे में जिन्होंने इतना अच्छा ऑपरेशन कैरी आउट किया, पर कुछ किसी को पता नहीं है इसके बारे में। क्या आपको लगता है कि सब्सिडी मिलना चाहिए फिल्म को, रिप्रेजेंट कलकत्ता एंड कलकत्ता पुलिस इन अ वेरी पॉजिटिव वे? आपने ये काफ़ी अच्छा सवाल उठाया, ये सब्सिडी का इशू एक्चुअली मैं प्रोडक्शन पार्ट में नहीं हूँ,
तो मुझे इस बारे में पता नहीं, पर सब्सिडी ज़रूर मिलनी चाहिए। आई रियली थिंक कि कलकत्ता पुलिस को हम लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं सही वजह से, वो डिज़र्व करते हैं, तो डेफिनेटली हमें मिलनी चाहिए, वी डिज़र्व दिस आई थिंक। सर, जैसा कि ट्रेलर में आपकी एक डायलॉग है, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बदनाम किया जाता है सिर्फ एक इंसान की वजह से, तो आपका फेवरेट डायलॉग भी है, तो अभी देश में जैसा माहौल चल रहा है और इलेक्शन का टाइम भी है, बहुत ख़राब माहौल है, तो उसको आप किस तरह लेते हैं कि लाइक वो जो आपका लाइन्स था? वेल, मैंने तो काफ़ी वो सीन मेरे दिल के काफ़ी करीब था, क्योंकि फिल्म में जो मैं किरदार निभा रहा हूँ, एक मुस्लिम कॉप, एक वो मुसलमान है, वो पर वो काफ़ी एक ईमानदार पुलिस है, पर उस पर सवाल उठ रहे हैं कि जैसा हमारा जैसा चलता है कि एक कौम को उसकी पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर हमारी कौम की वजह से अगर आप किसी को उसकी क्रेडिबिलिटी, उसके टैलेंट को अगर क्वेश्चन करते हैं, तो ये एक बहुत ही गलत बात है। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने मैंने देखा उन्होंने अपने लाइफ में फ़ेस किया है, तो ये इमोशन मैं कैरी आउट कर रहा था। मैंने उनसे पहले डिस्कस भी किया था मेरे दोस्तों के साथ कि मैं ऐसा एक किरदार निभाने जा रहा हूँ जहाँ पर मैं मतलब ये एग्जैक्टली जो इशू है ये कॉम रिलेटेड ये वाला मैंने ये गलत साबित करना है। आई वॉन्ट टू सेंड अ मैसेज दैट यू नो मुझसे कोई अगर सवाल पूछता है, मतलब इस फिल्म में पूछा गया कि आप और हम सेम बिरादरी के, अगर कोई क्रिमिनल कहता है कि उस पर मैं सॉफ्ट हो जाऊँगा बिकॉज ही इज़ फ्रॉम द सेम कम्युनिटी, दैट एक्चुअली डज नॉट हैपन। आई थिंक एवरीबडी इज़ अमेजिंग, एवरीबडी डज देयर जॉब, कलकत्ता पुलिस इज़ अमेजिंग, वी कैन नॉट लेबल देम बेस्ड ऑन देयर कम्युनिटी और देयर कास्ट और रिलीजन। हाँ, बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि ये रियल रियल जो घटनाएं घटी हैं उस पर है ये फिल्म, तो जो रियल में होती है वो देखने में बड़ा मज़ा भी आता है। आई बिलीव बहुत अच्छा बनाया है, कल थोड़ा सा ट्रेलर मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कैसे बाप बेटे मिलकर रॉबरी करते हैं, दैट्स नाइस। एंड MS फिल्म्स के बैनर के अंडर में ये फिल्म बन रही है, मीना सेठी जी इसकी प्रोड्यूसर हैं। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि इनकी फिल्म बहुत पसंद आए लोगों को और बहुत चले। आई विश देम ऑल द बेस्ट। चेज, ये जो नो मर्सी टू क्राइम, इसका नाम चेज है इस फिल्म का, और आई विश देम ऑल द बेस्ट। हाँ, नहीं नहीं अच्छा लगा, जैसे उन्होंने कहा कि फिल्म का नाम चेज है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इट्स वेरी नाइस। नहीं, मैंने सुना है कि कुमार सानू जी का गाना बहुत अच्छा है, तो कुमार सानू जी की तो मैं वैसे भी फ़ैन हूँ, बहुत अच्छा गाते हैं। और दे आज पूरा ट्रेलर, कल तो मैंने थोड़ा सा देखा था लेकिन आज मैं पूरा देखूँगी। हाँ, क्योंकि है इसमें सब बंगाल से भी है और यहाँ से भी है आर्टिस्ट, और आई एम श्योर सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया होगा, और देखेंगे सब। इसमें न्यू कमर्स ज़्यादा है, साथ ही साथ इंडिया पे आईपीएल का क्रेज चल रहा था, क्या आईपीएल देखती है? मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरे घर में चलता रहता है, मेरे हस्बैंड तो बहुत बड़े फ़ैन हैं, वो तो देखते रहते हैं, मैं कभी कभी देखती हूँ। आई एम नॉट टू मच इनटू क्रिकेट। जैसे कि आपने कहा कि घर पे आईपीएल देखते हैं, तो कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं? नहीं, मैं क्योंकि आई एम नॉट टू मच इनटू क्रिकेट, मैं देख लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर बस। हाँ, बहुत देखते हैं। मैंने पूछा नहीं कभी। इलेक्शन का टाइम है अभी, बस सब अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, बस इतना ही करते हैं। या नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वोट देना बहुत ज़रूरी है, और एक वोट का भी बहुत कीमत होता है, आई मीन कीमती होता है, तो देना बहुत ज़रूरी है, और किसी को भी घर में नहीं बैठना चाहिए, प्लीज़ वोट, ये हमारा हक है, उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं, सस्पेंस चीज है क्योंकि ये जो बाप बेटे जो मिलके करते हैं, कितना पैसा लूटा है, ये जो सच्ची में गुजरी हुई कहानी है, तो जो रियलिटी है वो देखने में ज़्यादा मज़ा भी आता है, आई होप। और बंगाल के डायरेक्टर्स तो सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं, सो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म बहुत अच्छी होगी। मैम, और एक क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगी, अभी जो मूवी हाल ही में निकलने वाली थी नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, क्योंकि अभी बीच में कुछ दिक्कत हुई तो स्टॉप हो गई, तो इस माहौल को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से रिलीज इसलिए भी नहीं हो पाई, शायद आई डोंट नो, इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के बाद करेंगे। तो
थोड़ा सा अनुभव बता सकते हो, उनकी माँ का रोल निभा रही थी, तो वो अनुभव आपका कैसा? बहुत अच्छा रहा, बहुत काम करते हो, बहुत मज़ा आया और बहुत प्यार से फिल्म बनाई है। आई होप लोगों को अच्छी लगे और आई एम श्योर अच्छी लगेगी। ये बहुत अच्छा ट्रेलर था, जैसा कि आपने सामने देखा, बहुत खूबसूरत फिल्म, इससे भी अच्छी है, बहुत पेसी है। और मैंने पॉलिटिशियन का रोल इसमें किया हुआ है, कलकत्ता में शूट किया है, एंड आई एंजॉयड माय रोल। और स्पेशली जो पूरी टीम बहुत अच्छी थी, खासकर डायरेक्टर इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, वेरी टैलेंटेड मीना शेट्टी जो इसके प्रोड्यूसर हैं, वेरी हम्बल, वेरी नाइस लेडी शी इज़, जिन्होंने बहुत अच्छा केयर किया और मज़ा आया काम करने का। बस यही कह सकता हूँ कि बस फिल्म अच्छी चले, खूब चले, लोग इसको पसंद करें। मैं अभी क्या बताऊँ, मैं क्योंकि मैं एक ही दिन के लिए था वहाँ, तो मेरे को ऐसा ज़्यादा चांस नहीं मिला, लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, बहुत मज़ा आया काम करने का। और एक क्वेश्चन कि जैसे कि इंडिया पे आईपीएल का खर्च चल रहा था, आईपीएल देखते हैं क्या? नहीं, आईपीएल तो खैर मुझे लगता है मैं देखता हूँ, मैं अभी यहाँ पे उसमें देखते रहता हूँ आजकल, मतलब थोड़ा सा स्कोर देख लिया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस इसके थोड़ा सा। मेरी टीम हैदराबाद। कौन सा क्रिकेटर आपको फेवरेट है? मेरा क्रिकेटर विराट कोहली। जी सभी बारात, इसलिए मैं जा रहा हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग, इसलिए मैंने शुभेंदु को बोला था डायरेक्टर को कि भैया मैं आऊँगा और 10 मिनट में निकल जाऊँगा, कि अभी मैं मुझे घर जाना है, नमाज पढ़नी है। ओके, ऑल द बेस्ट। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।